नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल चले में। और आज हम संक्षिप्त इतिहास NCERT सार कक्षा 6-12 सहित महेश कुमार बर्नवाल के चैप्टर 10 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मौर्य युग। और इस चैप्टर का आज का हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है बिंदुसार के बारे में। और हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना और उसकी शासन प्रणाली के बारे में जाना, गुप्त जो गुप्तचर विभाग है उसके बारे में भी हमने जानकारी ले ली थी। और आज हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उसका पुत्र रहता है। और इसका जो कार्य अवधि है वो 298 से 273 ईस्वी पूर्व रहती है। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और यूनानियों ने इसे अमित्रगेटस या फिर अमितघात कहा है, और जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला है। बिंदुसार के विभिन्न नाम हैं, और भी कुछ नाम हैं, उसे हम जान लेते हैं। और किस ग्रंथ में और किस पुस्तक में और उसके लेखक कौन है, इसे भी हम जानेंगे। तो जो अमित्रगेटस है उसे यूनानी ग्रंथ में बिंदुसार का नाम दिया गया है। फिर आतली द्रोचट इसे स्ट्रेबो ने कहा है। अमितघात इसे संस्कृत में, जिसका मतलब होता है शत्रुओं की हत्या करने वाला, वहीं अमितचट्स इसे एथेनियस ने कहा है। अमितखंड इसे संस्कृत में जो ग्रंथ है, संस्कृत का जो ग्रंथ है उसमें बिंदुसार का नाम बताया गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। सिंहसेन इसे जैन ग्रंथ में, सिंहसेन इसे राजवर्णी कथा में, मद्रसार इसे वायु पुराण में, बिंदुपाल इसे फा टेम चुलीन मतलब चीन साहित्य में इसे कहा गया है। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का कहा जाता है। और बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता था, जो कि आजीवक संप्रदाय से उसका संबंध था। बिंदुसार की जो सभा है उसमें 50 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद रहती है, जिसका जो प्रधान है वो खल्लाटक रहता है। और बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासन एंटियोकस से 3 वस्तुएं मंगाई थी, और वो थी मीठी मंदिरा और सूखी अंजीर और एक सोफिस्ट मतलब दार्शनिक की मांग उसने की थी। तो दार्शनिक को छोड़कर जो अन्य 2 वस्तुएं जो थी उसे बिंदुसार के पास भेज दिया जाता है एंटियोकस के द्वारा। तो बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। और जो सीरिया के शासक था जिससे 3 वस्तुएं मंगाई थी एंटियोकस प्रथम ने, डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को अशोक के राजदरबार में भेजा था, अशोक के दरबार में। यहाँ बिंदुसार के दरबार में बात नहीं हो रही है। और बिंदुसार की जो मृत्यु होती है वो 273 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई थी, ऐसा कहा जाता है। अब हम अपने महत्वपूर्ण बिंदु जो अशोक है उनके बारे में जानते हैं। बिंदुसार और चंद्रगुप्त हमारा जो NCERT का जो सार है उसके अनुसार इतनी ही जानकारी है। अब अशोक के बारे में हम जान लेते हैं। तो अशोक जो रहता है वो मौर्य शासकों में सबसे महान शासक वो रहता है, और इसका जो कार्य अवधि है वो 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व रहती है। और बौद्ध परंपरा के अनुसार यह कहा गया है कि वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर और अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे मिथक ही मानते हैं, कि वंदंती ही मानते हैं। और जो सिंघली अनुश्रुति के अनुसार इसकी जो पत्नी है देवी विदिशा के सृष्टि की पुत्री रहती है और अशोक की प्रथम पत्नी थी, इसी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म होता है। वही जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावदान है उसमें अशोक की एक अन्य पत्नी का नाम है और वो है तिस्य रचिता, इसका उल्लेख मिलता है। अशोक के जो प्रयाग स्थित शिलालेख है, इलाहाबाद का जो अभिलेख है या फिर रानी का अभिलेख भी इसे कहते हैं,
और इसी में चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी है। चंद्र जो समुद्रगुप्त है सॉरी जो समुद्रगुप्त है उसने इसी में प्रयाग की प्रशस्ति और मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख इसी अभिलेख में है जो कि अशोक का प्रयाग स्थित शिलालेख है। तो इसमें अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। जो राज्याभिषेक के पूर्व अशोक रहता है वह उज्जैन अवंती या फिर तक्षशिला का प्रांतीय शासक रहता है और अशोक शासित देशों में शिलाओं पर जो संदेश खुदवाने वाला प्रथम यह भारतीय शासक अशोक ही रहता है। अब चलिए हम इसकी कुछ उपाधियों के बारे में जान लेते हैं और वो उपाधियों के स्रोत क्या है इसे भी हम जानेंगे। तो जो अशोक है वह मास्की लघु शिलालेख है और देवानाम प्रियस अशोक राजा इसे गुर्जरा लघु शिलालेख इसका स्रोत है। अशोक मौर्य इसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह मिला है। प्रियदर्शी राजा और यह बराबर गुहा लेख है। प्रियदर्शी राजा मगध यह भाम्ब्रू विराट लघु शिलालेख से इसका स्रोत है। प्रियदर्शी राजा ये कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश इसके स्रोत है। वहीं अशोकवर्धन इसे पुराणों में कहा गया है। राजा अशोक इसे नेटुर लघु शिलालेख में कहा गया है। राजा अशोक देवानाम प्रिय इसे उद्गोलक लघु शिलालेख में कहा गया है। तो अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था लेकिन 4 वर्ष तक वह गृह युद्ध में ही लगे रहा। तो अशोक का वास्तविक जब राज्याभिषेक होता है वो 269 ईस्वी पूर्व में होता है। अब चलिए हम अशोक के कुछ अभिलेखों के जान लेते हैं और इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, शिलालेख लघु शिलालेख स्तंभ लेख ऐसे करके और इनके भी कई पाठ हैं। तो जो अशोक है वो प्रथम भारतीय सम्राट था जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे प्रजा को संबोधित किया और जो शिलालेख होता है वो पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता है और गुर्जरा मास्की नेटूर उद्गोलक अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है और अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवानाम प्रिय मतलब देवताओं का प्यारा ऐसा उपाधि के रूप में हमें जानकारी मिलती है। अब चलिए हम शिलालेख के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो संख्या है 14 है। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक यह समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया है और इन स्थानों के नाम इस तरह से हैं। जो शाहबाजगढ़ी है वो पेशावर ज़िले में स्थित है, शिलालेख है। और मानसेहरा शिलालेख जो है वो हजारा ज़िले में स्थित है। कालसी शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में स्थित है। गिरनार ये काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी है, वहाँ से शिलालेख मिला है। धौली ये उड़ीसा के पुरी ज़िले में स्थित गांव है। जोगढ़ उड़ीसा के गंजाम ज़िले में स्थित है। एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में स्थित है। सोपारा यह महाराष्ट्र प्रांत के थाने ज़िले में स्थित शिलालेख है। तो जो धौली और जोगढ़ है उसके शिलालेखों पर 11, 12 और 13वें शिलालेखों के स्थान पर 2 अन्य लेख भी खुदे हैं जिसे पृथक कलिंग प्रज्ञाप ऐसा कहा गया है। तो इस अभिलेख में कलिंग राज के प्रति अशोक के शासन के जो नीति है उसके विषय में बताया गया है। तो ये जो थे वो शिलालेख हैं। अब हम कुछ लघु शिलालेख के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी संख्या 14 है। ठीक है, इसकी संख्या 14 है और जो हमारी शिलालेख है वो तो 8 है और जो लघु शिलालेख है उसकी संख्या हमें 14 मिलती है और इस कारण इसे लघु शिलालेख कहा गया है। क्योंकि लघु शिलालेख जो है वो 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है तो इसलिए इसे लघु शिलालेख कहा गया है और ये भी अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। चलिए हम उसे जान लेते हैं। तो रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में स्थित है। गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में स्थित है। सासाराम बिहार भामपुर
ये बेराट राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। माशकी ये हैदराबाद के रायचूर जिले में स्थित है। वही ब्रह्मगिरी ये मैसूर के चीतल दुर्ग में स्थित है। सिंधपुर ये ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है। जटिंग रामेश्वर ये ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। और एरगुडी यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। जो 10वां लघु शिलालेख है वो है गोवी मठ जो है वह मैसूर के कोकबल नामक स्थान के समीप स्थित है। जो 11वां शिलालेख है वह पालकीगुंडू यह गोवी मठ के 4 मील दूर पर स्थित है। वहीं राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में स्थित है। जो 13वां है वो अहरोरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। देखिए इसके अतिरिक्त सारो मारो जो कि शहडोल मध्य प्रदेश के नेटूर मैसूर है यह नामक स्थान से लघु शिलालेखों की 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जनवरी 1989 1989 में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सन्नाती नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेखों से इसे प्राप्त किया था। तो ये हमने शिलालेख जाना, लघु शिलालेख जाना। अब हम कुछ स्तंभ लेख के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो संख्या है वो 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाई गई है। चलिए हम इसे विस्तृत जानकारी इसकी ले लेते हैं। तो सबसे पहले है दिल्ली का टोपरा। दिल्ली टोपरा यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर जो कि खिजाबाद है उस जिले में स्थापित था। और मध्ययुग में से जो तुगलक शासक था फिरोज शाह तुगलक वह दिल्ली से लाया था दिल्ली टोपरा। तो इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है, जबकि जो शेष स्तंभ है उस पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण किए गए हैं। दिल्ली मेरठ ये जो स्तंभ है यह अभी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। लोरिया अर्राज ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लोरिया नंदगढ़ ये भी बिहार में ही है चंपारण जिले में, और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। रामपुरवा में चंपारण बिहार है यह। प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में था, जो बाद में अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। तो ये पूछता है कि अकबर ने अशोक के किस स्तंभ लेख को कह सकते हैं कि इलाहाबाद में रखवाया। तो प्रयाग का जो कौशाम्बी जो है बाद में अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। ये 6ठा स्तंभ लेख है। और कुछ लघु स्तंभ लेख भी है अशोक की राजकीय घोषणाओं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उसे साधारण तौर पर लघु स्तंभ कहा जाता है, लघु स्तंभ लेख। और ये कुछ इस प्रकार से है। जो सांची का लघु स्तंभ है वह रायसेन का जिला मध्य प्रदेश में है। सारनाथ आप जानते हैं लघु स्तंभ लेख इसे वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप है। रुमिनदेई यह नेपाल की तराई में है। निगलीवा ये निगाली सागर यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। जो सांची का सारनाथ है कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। देखिए जो कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान किए गए उल्लेख हमें मिलते हैं, और इसे ही रानी का अभिलेख भी कहा गया है। तो रानी का अभिलेख किसे कहा गया है, तो आप प्रयाग स्तंभ या फिर कौशाम्बी स्तंभ कह सकते हैं। रुमिदेई स्तंभ में अशोक के द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है। और निगलीवा के लेख में कनक मुनि के जो स्तूप है संवर्धन की चर्चा इसमें हुई है। अब कुछ गुहा लेख भी है ना। हमने शिला लेख जाना, लघु शिला लेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, अब गुहा लेख है। गुहा का मतलब होता है केव, गुफा। तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी है, और इस पर 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं।
और इसमें अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा को दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। तो ये जो सभी अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो केवल दो जो अभिलेख है ना, वो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है वो ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। तो देखिए ये भी पूछता है कि कौन से जो गुहा लेख है कैप है उसमें लिपि क्या है। तो आप कहेंगे कि जो दो अभिलेख है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा उसकी लिपि खरोष्ठी है और जो बाकी सभी है वो सभी प्राकृति भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो इस तरह से हमने आज की जो जानकारी पढ़ा वो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम गुहा लेख को ही आगे जारी रखेंगे और फिर हम कलिंग युद्ध के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले। धन्यवाद।